morning one and all, my name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. 8 तारीख के करंट अफेयर आ चुके हैं, देखते हैं 8 तारीख के करंट अफेयर कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट है जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. पहला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में चुनाव तारीख की घोषणा कर दी, कितने राज्यों के लिए करी है, 5 राज्यों के लिए, और 5 राज्य कौन कौन से हैं, वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना. ठीक है, और चुनाव आयोग की बात हुई है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी. और यह के चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ओपी रावत है. और ये जो ओपी है ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारे ओपी है अपने भारत में, जैसे गुजरात के गवर्नर भी ओपी कोहली है. नेपाल की बात करें तो नेपाल के चीफ जस्टिस अभी नए बने, उनका नाम है ओपी मिश्रा. और भारत के नए चीफ जस्टिस अभी नए आए, वो हैं रंजन गोगोई, जो कि 46वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं अपने भारत के. ठीक है, कौन है अपने मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ओपी रावत अपने मुख्य चुनाव आयुक्त हैं. और अपने भारत के चीफ जस्टिस कौन है, रंजन गोगोई, जो कि 46वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रंजन गोगोई कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं भारत के, तो वह 46 नंबर के. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को 450 करोड़ रुपये आपूर्ति की घोषणा की है, किस राज्य को करी है, कर्नाटक राज्य को करी है, और किसके लिए करी है, अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए इतने करोड़ रुपए की राशि की आपूर्ति की घोषणा करी है. कर्नाटक राज्य की बात करें तो वहाँ की राजधानी है कैपिटल, वहाँ के सीएम है एचडी कुमारस्वामी और वहाँ के गवर्नर है वजूभाई वाला. बेंगलोर की बात करें तो यह पहला शहर है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था. और जो कर्नाटक है कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वह कर्नाटक ही है. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. हाल ही में रेल मंत्री ने किस राज्य में 2 प्रमुख रेल परियोजनाओं की नींव रखी है, वह है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ की राजधानी है रायपुर, वहाँ के सीएम है रमन सिंह और गवर्नर नारायण पटेल. ठीक है, रेल मंत्री ने किस राज्य के लिए रेल परियोजनाओं के लिए नींव रखी है, वह छत्तीसगढ़ के लिए. बाकी अपन को वहाँ की राजधानी पता होना चाहिए, रायपुर, सीएम पता होना चाहिए रमन सिंह, और गवर्नर पता होना चाहिए आनंदीबेन पटेल. और रेल मंत्री कौन है अपने अभी करंट में, वही पीयूष गोयल. और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, ये भी हमें पता होना चाहिए कौन है, जॉन मथाई. और अभी रेल के अध्यक्ष कौन है, वह अश्विनी लोहानी. ठीक है, अब ये जो छत्तीसगढ़ है ये कब अलग हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग हुआ था, जो कि 26वां राज्य बना था. और बाकी की भी बात कर रहे थे, जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था वो 27वां था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था वो 28वां था, और आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ था तेलंगाना वो 29वां था. जो ये कब हुआ था और अभी रिसेंट ये कब हुआ था, ये 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स सेशन 2018 कहाँ पर संपन्न हुई, ये संपन्न हुई है नई दिल्ली में. ठीक है, और अपने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री का हमें पता होना चाहिए, उनका नाम है अनंत कुमार हेगड़े. ठीक है, कहाँ पे संपन्न हुई है ये प्रतियोगिता, नई दिल्ली में हुई है. और उसके मंत्री कौन है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राज्य मंत्री कौन है, अनंत कुमार हेगड़े मंत्री हैं. अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड डिवेस्को के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, ये किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया है. और उत्तराखंड राज्य की बात हुई तो वहाँ की राजधानी में पता होना चाहिए वो है देहरादून, सीएम पता होना चाहिए वह है त्रिवेंद्र एस रावत, और गवर्नर पता होना चाहिए वह है बेबी रानी मौर्य. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गवर्नर अभी नई बनी है, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, ये हमें पता होना चाहिए, एग्जाम आ सकता है. और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो देहरादून, मतलब ये इसी में ही है उत्तराखंड में, और इसको दूसरा नाम इसका ये भी है हेली नेशनल पार्क. और इसके बीच से अगर ज़्यादा से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये पूछ सकता है कि इसके बीच से कौन सी नदी गुजरती है, वो है रामगंगा नदी, इसके बीच से गुजरती है ये नेशनल पार्क. भी इम्पोर्टेंट, मैं सर साथ कवर कराता हूँ, जैसे भी किसी राज्य का बात आती है तो उसके नेशनल पार्क, वहाँ के सीएम, गवर्नर, राजधानी सब कवर कराता हूँ, तो ये आपके लिए भी काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहता है. और ये 2 क्वेश्चन अलग हैं. फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है, और शांति घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है. ठीक है, अगला क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश की रेलवे के साथ एमओसी पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ करें? हाल ही में रूस के साथ ही, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी भारत आए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी काम हो रहे हैं वो रूस के साथ ही हो रहे हैं, ठीक है। रूस की बात हुई तो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और राजधानी है मॉस्को। अभी एमओसी क्या है, इसके पहले मैं आपको एमओए बता देता हूँ। एमओए की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और एमओसी की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो मैंने तीनों बता दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने चारधाम महामार्ग विशाल परियोजना की मंजूरी दी है? किसने दी है? एनजीटी ने दी है इसकी मंजूरी। और एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीड ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ए के गोयल, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। चारधाम कहाँ पे रहे? उत्तराखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में तत्काल ऋण उत्पादक बूस्ट किसने लॉन्च किया? ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन बन सकता है एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम में। किसने लॉन्च किया है? मोबी क्विक ने किया है। कितने तक का ऋण मिल सकता है इसमें? 5,000 से 60,000 तक का ऋण मिल सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? मोबी क्विक की स्थापना हुई थी सन 2009 में। मुख्यालय है गुड़गांव में और इसके सीईओ है विपिन प्रीत सिंह, इसके सीईओ है। ये बूस्ट याद रखना, बूस्ट इसका लॉन्च हुआ है भी मोबी क्विक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में धारा 377 को मनाने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, वो कहाँ पर किया गया है? गोवा में किया गया है, ठीक है। जो इसके साथ खुश हुए हैं वो खुशी को जाहिर करने के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, वो कहाँ पे किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पुरस्कार होते हैं, जो भी दिए जाते हैं, वो मेरे साथ के साथ जैसे भी जिस महीने के जिस तरह को दिए जाएंगे वो उसके साथ आए जाएंगे। तो इनको आप शॉर्ट नोट्स भी बना लिया साथ के साथ, इन सारे जो भी मैं बताता हूँ उनके कॉपी बना मेरी तरह, उनमें एक नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करिए, ठीक है। उसमें आपके सीएम वगैरह आप अलग से लिखने चाहो, पुरस्कार अलग से लिखने चाहो, किसी भी स्थापना बैंक वगैरह सब अलग से लिखने चाहो, वहाँ पर आप अलग से लिख सकते हो, ठीक है। बाकी जो मैं जैसे मैं बना रखे हैं आप एटलीस्ट ऐसा तो बनाए, कम से कम एक कॉपी में पूरे करंट अफेयर्स को मेंटेन करें, ठीक। और आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार 2018 किसको दिया गया है? लिलिया मिंज को यह पुरस्कार दिया गया है। और किससे रिलेटेड है? ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मारुति सुजुकी को किया गया। और ये किसने किसके अंतर्गत आता है? श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और श्रम रोजगार उन्होंने अपने संतोष गंगवार अपने श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। तो ये हो गए 8 तारीख के करंट अफेयर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली वीडियो के अगले करंट अफेयर्स के साथ। और इंग्लिश के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, मैथ के वीडियोस भी डाले, करंट अफेयर्स भी डालता हूँ, तो इनको देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद।